कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति राजस्थान के निर्देशानुसार आज जिला शाखा के नेतृत्व में अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन उप निदेशक कृषि विस्तार चित्तौड़गढ़ को सौंपा। अखिल राजस्थान राज्य कृषि पर्यवेक्षक संगठन के सदस्य आशा जोशी ने बताया कि जिले के समस्त कृषि पर्यवेक्षक ने आज संयुक्त समन्वय समिति के आह्वान पर एक दिवसीय अवकाश लेकर उप निदेशक कार्यालय के बाहर जिले के सभी कृषि पर्यवेक्षक जोरदार नारेबाजी के साथ जिला अध्यक्ष सत्येंद्र गोड़ के नेतृत्व में ज्ञापन उप निदेशक कृषि विस्तार दिनेश कुमार जी जांगा को सौंपा। सामाजिक संगठन विश्व धर्म प्रचार परिषद ने मंगलवार को वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों को फल वितरित किए। सभी बुजुर्गों से स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्व धर्म प्रचार परिषद उत्तर प्रदेश अध्यक्ष रचित शर्मा ने बताया कि मंगलवार को गरीब व असहाय को फल वितरण कर मानवता का संदेश देने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया गया। बस्सी थाना क्षेत्र के आगरा रोड मोहनपुरा लक्की रिसोर्ट के सामने जयपुर से दौसा की तरफ जा रही बस बाइक सवार को बचाने के चक्कर में सांवरिया से भरी हुई बस पलट गई। आगरा रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया तथा हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई। बस सवार लोगों को पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों की मदद से बाहर निकालकर घायल लोगों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल बस्सी अस्पताल पर भेजा तथा गंभीर लोगों को जयपुर SMS अस्पताल रेफर कर दिया गया। बस्सी थानाधिकारी सोहन लाल बस्सी ACP सुरेश सांकला जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर क्रेन की सहायता से बस को सीधा करवाया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने ग्राम पंचायत सिवनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ग्राम पंचायत के प्रथम सरपंच श्री धर्मदत्त पांडे की 58वीं पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधक मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री जय सिंह अग्रवाल सहित उपस्थित अतिथियों ने भी स्वर्गीय श्री धर्मदत्त पांडे को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपकरण क्षेत्र में मंगलवार को गंगा माता मंदिर परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जमवारामगढ़ नगर इकाई की बैठक हुई, जिसमें आज़ादी के 75 वर्ष शुरू होने पर कार्यक्रम रखे गए। SFD प्रांत प्रमुख सुरेंद्र गौतम ने कार्यकर्ताओं को बताया कि इस वर्ष विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गाँव के चौक और ढाणी मोहल्ले तक पहुँचकर गाँववासियों के साथ झंडारोहण करेंगे तथा ग्रामवासियों में राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में किया जाएगा। MFS जिला संयोजक देवेंद्र भट्ट ने बताया कि पूरे वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर विद्यार्थी परिषद समाज के बीच आज़ादी के 75 वर्ष धूमधाम से मनाने वाली है। कस्बे के निकटवर्ती बसावा ग्राम पंचायत में सिंजारा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आंगनबाड़ी संख्या 48 पर यह पर्व मनाया गया। नवलगढ़ परियोजना अधिकारी CDPO इंदिरा सूरा के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में मनाया गया। आंगनबाड़ी में सिंजारा के पर्व के साथ में मेहंदी प्रतियोगिता, नृत्य व झूला का प्रोग्राम भी किया गया। प्रतियोगिता में 15 बालिकाओं ने भाग लिया। अखिल भारतीय गुर्जर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविशंकर धा भाई व राष्ट्रीय महासचिव योगेंद्र सिंह गुर्जर टोडा के निर्देशानुसार अखिल भारतीय गुर्जर महासंघ की पावटा ब्लॉक टीम द्वारा पावटा उपखंड के उप जिला कलेक्टर राजवीर यादव को भिलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे में स्थित देवनारायण मंदिर को खुलवाने बाबत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मंदिर के 45 वर्ष से बंद होना बताया गया, जिसको खुलवाने के लिए ज्ञापन द्वारा मुख्यमंत्री से गुहार की गई। मंदिर के बंद होने से हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। आहोर उपखंड क्षेत्र के जोगावा में आज कोविड टीकाकरण को लेकर ग्रामीणों ने जागरूकता दिखाते हुए प्रातः 10 बजे से लोगों का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जोगावा में नर्स गीता कुमारी, शशि शर्मा, शारदा ओम प्रकाश व्यास, खुमाराम चौधरी, नीतू देवी, आशा सहयोगी, जोगावा चिकित्सा विभाग समेत स्टाफ के साथ टीकाकरण किए गए।
रक्त की आपूर्ति के लिए महावीर इंटरनेशनल द्वारा पूरे भारत में रक्तदान शिविर के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महावीर इंटरनेशनल आमेट शाखा द्वारा मंगलवार को सोनी देवी एवं मंजुला देवी गांधी की पुण्य स्मृति में गांधी परिवार के सौजन्य से स्थानीय महावीर भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष कैलाश मेवाड़ा द्वारा दीप प्रज्वलित के साथ हुआ। शिविर में सरल ब्लड बैंक उदयपुर द्वारा 50 यूनिट रक्त संग्रह किया गया एवं 70 रक्तदाताओं का रजिस्ट्रेशन हुआ। आपने जब फर्स्ट बार डोनेट किया है, आपको कैसा लगा? शुरू में तो मैं बहुत डर रहा था ब्लड डोनेशन के लेके, पर अब ब्लड डोनेट करने के बाद मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। किसी भी टाइप की कोई भी कमजोरी हो रहता आगे भविष्य में किसी से और कोई सजेस्ट? जरूर जरूर, मेरे को जब जब भी मौका मिलेगा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आगे आके ब्लड डोनेट और लोगों को भी प्रेरित करूँगा कि डर थोड़ी देर का है और कुछ नहीं। आपका नाम? मेरा नाम अंकित माहेश्वरी। आज जो आपने फर्स्ट बार जो डोनेट किया, फोन डोनेट किया, उसके बारे में आप कैसा लगा? आगे भविष्य में गई और डोनेट करने की जरूरत पड़ी तो आप दोगे? आपका नाम? आज जो आपने रक्तदान कराया उसके बारे में? महावीर इंटरनेशनल एपेक्स द्वारा पूरे देश भर में 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उसमें पूरे सप्ताह 8 तारीख से 15 अगस्त तक रक्तदान शिविर आयोजित हो रहे हैं। उसी के अंतर्गत महावीर इंटरनेशनल आमेट द्वारा एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन महावीर भवन में आयोजित किया गया। इस रक्तदान शिविर के आयोजनकर्ता और सौजन्यकर्ता स्वर्गीय श्रीमती सोनी देवी गांधी और श्रीमती मंजुला देवी गांधी की ओर से हमें सौजन्य प्राप्त हुआ। उनके प्रति भी हम बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। इस शिविर में नगर पालिका चेयरमैन SDM महोदय और नगर के युवा बुजुर्गों का बहुत पूरा सहयोग मिला। उसी के कारण हम सभी इस आयोजन को सफल कर सके और लगभग 50 यूनिट हमने ब्लड संग्रह किया है। यह ब्लड सरल बैंक उदयपुर के माध्यम से किया गया। इसी के अंतर्गत 70 जनों का हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया और लगभग 10 लोगों ने ये आशा विश्वास दिलाया कि जब भी आवश्यकता होगी ब्लड की, हम ब्लड देने के लिए तैयार हैं। आज ये ब्लड डोनेशन बहुत ही सफल हुआ, क्योंकि कोरोना काल में के बाद ये प्रथम शिविर लगा है। आगे भी हम प्रेरणा देते हैं कि और अधिकाधिक ब्लड डोनेशन के हम लगते रहे और लोग लाभान्वित होते रहे। आज जो रक्तदान शिविर लगाया आपने, उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी। देश में कोरोना के कारण असीमित मात्रा में रक्त की कमी चल रही, इससे महावीर इंटरनेशनल ने स्वतंत्रता दिवस 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 8 से 15 अगस्त के बीच में ये कैंप लगाने का बीड़ा उठाया, जिसमें अभी राजसमंद जोन में 6 जगह रक्तदान होगा 8 से 15 के बीच में, जिसमें आज 10 तारीख आमेट को आमेट केंद्र को दी महावीर इंटरनेशनल आमेट केंद्र को, तो अभी हमारे लगभग यहाँ 50 यूनिट तो होगा। जिले में हो रही भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। नगरवासी चांपा में बने एनीकट के ऊपर बहते पानी से जान को जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। चांपा हसदेव नदी में बने एनीकट का जल स्तर बढ़ा हुआ है। पुल के ऊपर से 1 से 1.5 फीट तक पानी ऊपर बह रहा है। एनीकट के ऊपर बहते पानी से जान को जोखिम में डालकर 2 पहिया वाहन पार कर रहे हैं। शासन प्रशासन को इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ग्राम पंचायत घाटा में अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सरपंच नीतू कुमारी मीणा ने स्वयं के जन्मदिन पर विकास मंच के सदस्यों के सहयोग से विभिन्न प्रकार के छायादार एवं सौंदर्यकरण युक्त पौधे लगाकर क्षेत्रवासियों को वृक्षारोपण कर जन्मदिन मनाने का संदेश दिया। खजुवाला क्षेत्र में 40 KYD नहर किनारे अवैध पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। वन माफियाओं ने नहर किनारे रात को अंधेरे का फायदा उठा JCB से पेड़ कटे। जब इस बारे में ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी तो तुरंत वन विभाग की टीम पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। उसके बाद वन विभाग ने हरे पेड़ों से भरे एक ट्रैक्टर रेहड़े वे JCB को जब्त किया। अवैध पेड़ों की कटाई को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त दिखाई दे रहा है,
कहना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार किस किस शहर पर ये सब हो रहा है। आए दिन क्षेत्र में नहर किनारे अवैध पेड़ों की कटाई के मामले सामने आते रहते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन सामाजिक कार्यकर्ता कांसवा की युवाओं को प्रेरित करने वाली अच्छी पहल। हरियाली अमावस्या के दिन सामाजिक कार्यकर्ता कांसवा की युवाओं को प्रेरित करने वाली अच्छी पहल, अपने जन्मदिन के अवसर पर पौधारोपण कर दिया अच्छा संदेश। काजूवाला समाज सेवी और किसान नेता राकेश कसवा का जन्मदिन जाट धर्मशाला काजूवाला में मनाया गया, साथ ही पौधारोपण भी किया गया। सावन माह के तीसरे सोमवार पर पूर्व जिला प्रमुख एवं तिलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक संरक्षक इंजीनियर कन्हैया लाल धाकड़ ने देश व क्षेत्र की खुशहाली के लिए भीलवाड़ा के प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल तिलेश्वर महादेव मंदिर में महारुद्राभिषेक एवं हवन किया। ट्रस्ट के संस्थापक संरक्षक इंजीनियर कन्हैया लाल धाकड़ के मंदिर पहुंचने पर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश चंद्र अहिर व महासचिव मांगीलाल धाकड़ के नेतृत्व में ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनकी अगुवाई की और साफा बांधकर माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। जांजगीर जिले में आज 3 स्कूलों के 11 बच्चे संक्रमित पाए गए। कलेक्टर ने तत्काल तीनों स्कूलों को 7 दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया। हाई स्कूल बिरगहनिक के 6 बच्चे, सरस्वती शिशु मंदिर बलोदा के 2 और मिडिल स्कूल उच्च भट्टी के 3 बच्चे शामिल हैं। स्थिति को देखते हुए कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने तीनों स्कूलों को 7 दिवस के लिए बंद करने के आदेश दिए। मेरा नाम राम प्रसाद यादव, ग्राम पंचायत का सचिव हूँ मैं बिरगहनी चांपा का, और यहाँ हाई स्कूल में जांच के दौरान में 6 बच्चे को पॉजिटिव केस आया हुआ है, जिनको कल अपन स्वास्थ्य विभाग के अमला द्वारा घर में होम आइसोलेशन करा दिया गया है, दवाई का पैकेट दे दिया गया है। स्वयं स्वास्थ्य विभाग वाले और मैं भी उनके घर जाकर निरीक्षण कर देखे तो बच्चे लोगों का स्वास्थ्य ठीक है, कोई प्रकार की परेशानी नहीं है। पालकों से बात की क्या है, बच्चे लोग स्कूल भेजेंगे नहीं भेजेंगे क्या? हाँ, पालकों से बात किए तो बोले कि इस तरह से अगर माहौल रहेगा तो अपने बच्चे को अभी फिलहाल स्कूल भेजने में असहमति जताई गई। क्या स्कूल खुला रहेगा? नहीं, स्कूल यहाँ के प्रिंसिपल और बीओ साहब ने स्कूल को बंद कराने का यह लेटर जारी कर दिया गया है। कुछ बच्चे क्या पिसाउद से, कुछ है क्या 3? हाँ, उसमें 6 में 1 बच्चे पिसाउद का है। अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन शिक्षा विभाग वाले मतलब स्कूल को बंद करने के लिए आदेश कर दिए हैं। नहीं, अब ये हाई गांव का तो सभी स्कूल, बच्चे में अब जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है तो स्कूल तो बंद रहेंगे। बिरगहनी के 6 बच्चे और उच्च भट्टी के 3 बच्चे जो अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे, उन स्कूलों के बच्चे कोरोना से ग्रसित पाए गए हैं। इन स्कूलों को हमने तुरंत बंद करा दिया है। बंद कराने के बाद में सभी बच्चों जिनमें भी लक्षण हैं और उनके परिवारजनों, उनकी जांच के निर्देश दिए गए हैं, ट्रेसिंग करने कहा गया है। इसके अलावा एक चीज़ और जो चीज़ हम कर रहे हैं, स्पेशली जो ग्रामीण एरिया है कि वहाँ 100% वैक्सीनेशन हो, इसलिए स्पेशल कैंप भी लगाए जा रहे हैं। और हमने DO को कहा है कि स्कूलों पर सख्त निगरानी रखें, शासन के जो निर्देश हैं उन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए, जैसे मास्क पहनना, लक्षण होने पर बच्चों को स्कूल आने से मना करना। और हमने अपने ज़िले में ये कहा हुआ है कि कोई लक्षण इस तरह के या कोई प्रमाणित ग्रसित लोग पाए जाते हैं तो उन स्कूलों को 7 दिवस के लिए, 3 दिवस के लिए यथासंभव जो भी जरूरी हो उसको बंद कर लें। भातसोड़ा थाने में विदाई समारोह मनाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भातसोड़ा पुलिस थाने में भवानी शंकर सुधार का विदाई समारोह, जिसमें नए थाना अधिकारी विनोद कुमार मेनारिया ने ज्वाइनिंग की। इन दोनों को गांव की तरफ से फूल माला पहनाकर, साफा पहनाकर स्वागत किया गया व आसपास के लोगों को बुलाया गया, जिसमें भातसोड़ा के थाना अधिकारी भवानी शंकर सुधार व भारत सिंह
हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह, कांस्टेबल गिरधारी लाल, इन चारों को विदाई समारोह उनको भी विदाई दी गई। जब पुलिस विभाग के अधिकारियों ढाई साल बाद सड़क थाने पर अपनी सेवा दी तो इनका स्थानांतरण जिले के डुंगला होने पर हुआ है और आसपास के लोगों ने इनके कार्यों की सराहना की। जांजगीर चांपा नवागढ़ तार चोरी करने वाले दो युवक को नवागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मनोहर लाल कुटे मिश्रा निवासी अपनी निजी जमीन का घेराव करने के लिए तार मंगाया था। घेरा करने के बाद उसके पास दो बंडल तार बचा जिसे अपने घर के आंगन पर रखा था। सूर्य नारायण निवासी कृष्ण कुमार यादव रात के समय चोरी कर ले गया और उस तार को मिश्रा के ही शांतनु दिवाकर के पास भेज दिया। चोरी करने वाले और खरीदने वाले नवागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। दिनांक 9/8/2021 को प्रार्थी नोहालाल खुटे मिर्जा का थाना आकर एक रिपोर्ट लिखाया था कि इसके निजी भूमि पर घेरा करने के लिए कांटा तार लिया हुआ था, जिसको कुछ निजी भाग में इसने घेरा भी कराया था। उसके बाद फिर जो बचे हुए तार थे उसको अपने घर आंगन में रखा हुआ था, जिसे कल रात को कोई व्यक्ति चोरी कर ले गया है और उक्त शिकायत पर अपराध दर्ज कर अज्ञात चोर की पतासाजी की जा रही थी। मुखबिर से सूचना मिला कि कृष्णा यादव जो कि सूर्यनारायण का रहने वाला है उसके ऊपर शंका जाहिर किया था, जिस पर उसे पूछताछ किया गया और पूछताछ करने पर वो अपना अपराध कबूल किया, चोरी करना बताया और चोरी के तार को उसी गांव के मिर्जा गांव के ही दिवाकर पीटर सुकालू दिवाकर को बेचा है, जिस पर शांतनु दिवाकर के घर में जाके रेड कार्रवाई किया गया तो उक्त दोनों तार के बंडल उससे जब्त किए गए हैं और दोनों आरोपियों को आज दिनांक को ही न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। ग्राम पंचायत कंचनपुर के गोंडवाना भवन में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज सर्व आदिवासी समाज द्वारा ग्राम पंचायत कंचनपुर में आदिवासी दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि संयुक्त कलेक्टर अध्यक्षता समुद्र सिद्धार्थ सहित विशिष्ट अतिथियों के द्वारा बुढ़ादेव की पूजा अर्चना पश्चात सर्व आदिवासी समाज के द्वारा हीरा सिंह मरकाम के तेल चित्र पर पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आज तो हमारे विश्व आदिवासी दिवस के संबंध में मैं संपूर्ण आदिवासी समाज को यह संदेश देना चाहता हूँ कि वह समाज में मजबूती बनाए रखने के लिए स्वयं संगठित रहें, हर हर घर में शिक्षा का प्रसार करें, जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं उनको भी शिक्षा के लिए अलग जगाएँ। साथ ही साथ संगठन में सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए समस्त मतभेदों को बुला करके मैं समस्त मेरे सर्व आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों, माता शक्ति, पिता शक्ति और शक्ति का निवेदन करता हूँ तो एकदम सभी एकता बनाए रखें, साथ ही साथ संघर्ष भी करें, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़े तो समस्त समाज एक होकर के संघर्ष करें। रायगढ़ जिले में लगातार बिगड़ते पर्यावरण को लेकर स्थानीय लोगों ने चिंता व्यक्त करना शुरू कर दिया है। खासकर स्वास्थ्यगत कारणों और वर्तमान में हो रही अवर्षा की स्थिति में पर्यावरण प्रेमियों सहित स्थानीय किसानों में चिंता बढ़ गई है। सभी का मानना यह है कि जिले में अंधाधुंध उद्योग स्थापना और उनके क्रमिक विस्तार की वजह से ऐसी स्थितियाँ बन रही है। यही वजह है कि जिले का प्रभाव पर्यावरण और यहाँ के जल जंगल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आप वर्तमान में बनी अवर्षा की स्थिति के लिए भी अंधे औद्योगिकरण को दोषी मान सकते हैं। काफ़ी एक व्यापक पैमाने पर बहस की ज़रूरत है और जिस पर देखा यह गया कि लोग अपनी बात नहीं रख पाते, तो बुनियादी सवाल ये है कि अभी काफ़ी अध्ययन की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि प्रशासन को पर्यावरण के मुद्दे को लेकर रायगढ़ जिले में कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए, जिसमें कभी ध्वनि प्रदूषण के लिए, कभी वायु प्रदूषण के लिए, कभी जल प्रदूषण के लिए और उससे जो होने वाला ये एक तरीके से कह लें कि दुष्प्रभाव जो है उस पर एक आकलन करने की ज़रूरत है।
नेहरू युवा केंद्र दोसा युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार व राष्ट्रीय सामाजिक संगठन NSO के संयुक्त तत्वाधान में दोसा जिले की राहुवास तहसील के रालावास में DYO राकेश कुमार अलोरिया APO रमाशंकर शर्मा के निर्देशानुसार NSO जिला अध्यक्ष व राष्ट्रीय युवा संघ स्वयं सेवक हीरालाल महावर द्वारा महावर बस्ती के पीछे वाले तलाई पर विश्व आदिवासी दिवस पर टोक्यो ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाने वाले खिलाड़ियों की रंगोली बनाकर जीत का जश्न मनाया गया। देश के खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ाया। हीरालाल महावर ने उपस्थित लोगों को बताया कि पहले के जमाने में एक कहावत थी, खेलोगे खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन अब वह जमाना नहीं रहा। खेल व्यवस्थाओं में बहुत सारे बदलाव आए हैं, भले ही सुविधाएं गांव तक नहीं पहुंच पा रही है, धीरे धीरे बहुत सारे बदलाव आएंगे, अब जमाना आ गया है। साथियों, बड़े ही गर्व का विषय है कि ओलंपिक के अंदर हमारे देश के 7 खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया और 7 मेडल प्राप्त किए। सभी खिलाड़ी अच्छा खेले, सभी को बधाई। और आज मेरे द्वारा खिलाड़ियों के चित्र और इवेंट्स के चित्र बनाकर इनका सम्मान किया गया है और सभी खिलाड़ियों का सम्मान करें। साथियों, एक खिलाड़ी होता है वो ज़िंदगी में कभी भी नहीं हारता है, या तो वह जीतता है या सीखता है। जय हिंद, वंदे मातरम।